एक मिनट, अरे रुको ठीक है, यहाँ अभी अभी जाइए, आगे हुआ जाए। ये चंदौली की महान जनता का आशीर्वाद है, इसमें आप सबका शुभकामनाएं जुड़ी। क्यों जी एक सेकंड, बहुत बढ़िया फिल्म है। रोल डॉक्टर साहब, आप मतदान करके आए हैं, आज मतदान संपन्न हो चुका है MLC का, तो कितनी सीटें आ रही हैं भाजपा की? भारतीय जनता पार्टी जनता के आशीर्वाद से उत्तर प्रदेश में हमारी कुछ सीटों पर निर्विरोध शानदार जीत हुई है और शेष बची सारी सीटें जो है भाजपा मतदाताओं के आशीर्वाद से शानदार मतों से जीत रही है। अभी हम लोग इस चुनाव में उत्तर प्रदेश की शानदार जीत के साथ साथ हाल में बिहार में भी राजग गठबंधन को बहुत शानदार जीत मिली। सर, विपक्ष हमें शुरू से लगातार आरोप लगाता रहा है कि धनबल बाहुबल और सत्ता बल का प्रयोग किया है BJP ने, इस पर क्या कहना है आपका? वो जो विपक्ष है वो इसका एक्सपर्ट था, आज जनता ने उसको नकार दिया है, तो इसलिए वह इन चुनाव को भी अपने ही तरीके से अपनी टिप्पणी करता है। भारतीय जनता पार्टी, उसके कार्यकर्ता, उसके प्रत्याशी लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, लोकतंत्र में संपर्क और निवेदन के माध्यम से चुनाव लड़ा जा रहा है और उस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बहुत ही शानदार जीत पा रही है। कारण स्थानीय निकाय के मतदाता भी देख रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार में हम अगर भारतीय जनता पार्टी के ज़्यादा से ज़्यादा MLC जिताएंगे तो हमको भी विकास के और लाभ मिलेंगे। 36 में 9 तो पहले ही जीत चुके हैं आप, 27 पर जो मतदान आज हुआ है उसमें कितनी सीटें आ रही हैं? हमारा ऐसा भरोसा है कि जिस तरह से चारों तरफ से खबरें आ रही है ये सभी 27 हम जीते हैं। शिवपाल यादव को लेकर लगातार जद्दोजहद इसकी बनी है, कभी समाजवादी पार्टी से भाजपा में जा रहे हैं, कभी भाजपा के लोग कर रहे हैं कि नो एंट्री का बोल रहे हैं, क्या स्थिति रहेगी, आप कहाँ देखते हैं, क्या स्टैंड रहेगा? ये सब शिवपाल यादव जी के खुद का विषय है और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का विषय है। शिवपाल यादव एक अच्छे इस प्रदेश के जिम्मेवार नेता हैं, अभी फिलहाल मेरा इतना है।